हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप सभी को एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो कि एमफिल से रिगार्डिंग है और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से रिगार्डिंग है। तो ये जो आपका नोटिस है, 10/1/2020 को रिलीज़ हुआ था और ये सूचना आपके लिए देना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। जो आपकी लास्ट डेट थी 6/12/2019 के अंतर्गत जो एमफिल अध्ययन कार्यक्रम जो एमफिल के लिए आपके मांगे गए थे आवेदन, तो वो उसकी अंतिम तिथि अब एक्सटेंड हो गई है। तो एक्सटेंड होकर ये 23 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी गई है। तो आप एमफिल में अगर इनरोल करना चाहते हैं अपने आप को, तो 23 जनवरी 2020 तक इसमें अंतिम तिथि है, आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके रिलीज़ होंगे 1 फरवरी 2020 को, प्रवेश परीक्षा आपकी 9 फरवरी 2020 को और धौलाधर परिसर धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम की अगर आप बात करें तो 17 फरवरी 2020 को इसकी परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और ये खुद जो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब पीएचडी से रिगार्डिंग जो रिवाइज नोटिस है, एक और आया है रिवाइज नोटिस। इस रिवाइज नोटिस में क्या है, तो रिवाइज नोटिस में एक तो सबसे पहले आपका डाउट है कि ये अगर क्वालिफाई होंगे तो इस ये मतलब के स्टेजेस हमें क्वालिफाई करने होंगे, क्लियर करने होंगे। तो पहले तो एक बात बता दूँ कि जो भी इस हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पत्र पत्रता परीक्षा है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये सिर्फ जो भी नेट या जेआरएफ या आपके एमफिल या टीचर फेलोशिप होल्डर नहीं किए हुए हैं तो वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी परीक्षा आप क्वालिफाई हैं तो आप को ये परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अभी ये आपका ये ज़्यादा ज़्यादा कर रहा है कि टू स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, तो टू स्टेजेस यहाँ पे जब फॉलो करनी होंगी, जब आपके पास नेट जेआरएफ या स्लेट गेट टीचर फेलोशिप होल्डर, मतलब कि आपके पास ये चीज़ें अगर नहीं हैं तो आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो ये 50% जो इसमें पेपर में आपको लेने होंगे, 50% में एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें 100 नंबर का पेपर आएगा। 100 नंबर का पेपर में आपकी 50% रिसर्च मेथोलॉजी से आएगा, 50% आपका जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिक नॉलेज से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्वालिफाई हैं आप, ये परीक्षाएँ क्वालिफाई हैं जो कि आपकी 6 हैं या 6 क्वालिफाई हैं, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रख के, ये आपको बहुत परेशान कर रहा है। तो ये अगर आप नेट जेआरएफ हैं तो ऑलरेडी आप एक क्वालिफाई करके आ रहे हैं नेशनल लेवल पे, आपको ये परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेट जेआरएफ नहीं है उसको ये परीक्षा देने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात, आपका एक और क्वेश्चन उठ रहा है पिछली वीडियो में कि सोशल वर्क में ये सीट्स हैं, इसकी कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, ज्योग्राफी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने कंफर्म आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। और ये एक तरीके से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैंने खुद कंफर्म करके ये बताया आपको है, वो अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं। अब इसमें आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो अगर नेट जेआरएफ नहीं है तो 50% आपके रिसर्च मेथोलॉजी आएगा, 50% आपके सब्जेक्ट के स्पेसिफिक नॉलेज आएगी। तो उसमें से आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में अगर आप सोशल वर्क में अप्लाई करेंगे ज्योग्राफी वाले, पचास परसेंट में से कुछ तो आप लेंगे ना, 50% रिसर्च मेथोलॉजी के तो आपके पास है ना, वो तो आप पढ़ते हैं, वो तो आप सभी का इक्वल है, सभी सब्जेक्ट्स का इक्वल है। तो इसको अगर और आपको चाहिए कितने 50 नंबर, तो 50 नंबर चाहिए और 50-50 का ये आ रहा है, तो आप कम से कम 50-60 तो ले लेंगे ना, तो क्वालिफाई हो गए, क्या दिक्कत है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डाउट रखें ना, और ये जो पूरा है इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में ये दे दिया जाएगा। बिल्कुल केयरफुली पढ़ा करें, फिर बाद में आप भी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आप उठाया करें, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इन नंबर्स पे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो इन नंबर्स पे पूछ सकते हैं, ये आपके लिए ही बनाए गए हैं और आप बिल्कुल पूछें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।